गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या यह सही है या गलत? देखिए, उनकी यात्रा के बारे में तो बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है, जिस पार्टी के नेता है माननीय गिरिराज सिंह जी, उसने ही कह दिया है कि उनकी यात्रा पार्टी की यात्रा नहीं है, उनकी निजी यात्रा है। इसलिए उस पर एनडीए घटक दल होने के कारण हमारी क्या राय है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, जो बीजेपी ने ही साफ साफ कह दिया है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो बात माननीय गिरिराज सिंह जी की ओर से कही जा रही है उस यात्रा के मकसद के बारे में कि हिंदू खतरा में है, हम उसको बचाने के लिए इस कार्यक्रम में चल रहे हैं, मेरी समझ से और हमारी पार्टी की समझ से बिहार में कोई धर्म के सामने खतरा नहीं है। हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक लोगों का धर्म है, ज़्यादा लोग मानते हैं, इवन यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके सामने भी कोई खतरा नहीं है। नीतीश जी की सरकार इस रूप में चल रही है और सब लोग देख भी रहे हैं। 2005 के पहले जो सांप्रदायिक तनाव होता था, घटनाएं होती थी, नीतीश जी जब से सरकार में छिटपुट कहीं कहीं एक आध घटना हुई है, वरना सभी समुदाय के लोग इतना आराम से यहाँ रह रहे हैं। धर्म के आधार पर किसी को कोई चैलेंज नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो यह कहना कि हिंदू धर्म खतरा में है यह ठीक नहीं। समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज के लोग इतने अब गैर जागरूक है, लोग ऐसा नहीं है, लोग जागरूक है, सब चीज को लोग समझते हैं, इसलिए इसका समाज में क्या असर पड़ेगा? इसमें ये ओर से सभी जगह उम्मीदवारी है जो स्वाभाविक है, और खबर यहाँ से हमने ली है, सब जगह की खबर यही है कि भारी मतों के अंदर से लिए उम्मीदवारों की जीत होगी सभी जगह, चारों विधानसभा क्षेत्र। सर, एक अररिया सांसद हैं बीजेपी का, उन्होंने कहा कि अररिया में रहना तो हिंदू हिंदू करना होगा। देखिए, उनको बोलते हुए हमने नहीं सुना है, मुझको लगता है कि जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कैसे इस तरह का बयान दे सकता है। लेकिन अगर सच में उन्होंने ऐसा बयान दिया है बहुत ही गलत है, या आपत्तिजनक है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जिसकी जहाँ इच्छा हो जाए, रहे, वहाँ निवास करे, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, इस पर पाबंदी लगाने की बात कैसे हो सकती है, यह गलत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर बिहार में सौहार्द बिगाड़े तो एड्स एक बढ़ा देंगे। अरे, विपक्ष के लोग हैं जो उन्होंने आगे बोले, बिहार में नीतीश कुमार जी के रहते कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात हो ही नहीं सकती, और कोई आज की बात नहीं, लगभग 20 साल से नीतीश जी शासन में है ना। पहले नीतीश जी के आने के पहले घटना होती थी और किस तरह से सांप्रदायिक तनाव समाज में होता था, लेकिन उनके आने के बाद एक आध छिटपुट अपवाद के रूप में घटना आप दे सकते हैं, वरना इतनी शांति के साथ सभी जात धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, इसमें कहाँ कोई परेशानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।